नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल SK Tech Mission पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 में एक बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज के साथ आपके सामने मैं फिर से वापस आ गया हूं। अपडेट क्या होने वाली, कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि मीटिंग में जो है कि डिसीजन लेना था कि आखिर में पोर्टल कब से खुलेगा। तो आप लोग के लिए इस वीडियो में जो है कि बड़ी अपडेट मैं लेकर आ गया हूँ कि फाइनली आप लोगों ने नोटिस जो है कि जारी कर दिया गया, नोटिस जारी हो गया कि आखिर में पोर्टल किस तारीख से खुलेगा, वो आपको इस वीडियो के अंदर आपको पता लग जाएगा। किसको क्या मिलने वाला, मतलब पोर्टल में खुला जाएगा तो किसके लिए खुला जा रहा है, आवेदन होगा दोबारा से या फिर पुराने वाले जो आप लोग के ब्लॉक वाले स्टेटस हैं, ये सारे आप लोग के जो डाउट हैं आपको चलिए मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। देखो अगर आप सही जानकारी सही अपडेट्स पाना चाहते हैं यूपी स्कॉलरशिप की तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए बात करते हैं आखिर क्या नोटिस जारी हुई है और कब से पोर्टल खुलेगा। तो जो हमारी ये जो है कि आगरा विश्वविद्यालय है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से है, उनके द्वारा जो है कि अपडेट जारी की गई है, इनको इन्फॉर्मेशन मिली है समाज कल्याण से। तो जो पोर्टल खोलने जाने की जो डेट थी वो आप लोगों को मालूम है क्या थी, वो 26 अप्रैल जो है कि न्यूज़ में पहले रिपोर्ट की गई थी। 26 अप्रैल इस वाली न्यूज़ में अगर आप देखोगे, इस आर्टिकल में हमको पता लगा था 26 अप्रैल से जो है कि यहाँ पर देखिए 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक जो है कि दोबारा पोर्टल ओपन किया जाएगा, ऐसी बात मतलब चल रही थी मीडिया। मैंने आपको कल भी बताया था कि 26 से लेकर 3 तक की बात अभी चल रही है, लेकिन इसका फाइनली जो है कि डिसीजन हो गया है, आगरा विश्वविद्यालय ने इस बात को कंफर्म किया है। तो जो पोर्टल खुलेगा यहाँ पर देखिए कब से खुलेगा, ये देखिए समाज कल्याण अधिकारी ने इनको क्या बताया, आपको अवगत कराना है कि कृपया अपने संस्थान विभाग में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अवगत कराने का कष्ट करें कि जो छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति 2023-24 के आवेदन करने से वंचित रह गए हैं, उनके लिए पुनः 30 अप्रैल से लेकर 4 मई तक साइट खोली जा रही है। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए डेट आप लोग की निकल कर आ गई। तो जो पोर्टल दोबारा आप लोगों के लिए खोला जा रहा है उसकी डेट क्या है, वो है 30 अप्रैल से लेकर 4 मई तक। तो ये डेट आप लोग नोट कर लीजिए, जितने लोगों ने भी आवेदन नहीं कर पाए या जो भी आपकी समस्या रही है अब तक आपको पैसा नहीं मिला है, तो ये आपके लिए बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तारीख होने वाली है। तो जो दोबारा पोर्टल है, दोबारा जो वेबसाइट है, कब से खुलेगी, वो खुलेगी 30 अप्रैल से लेकर 4 मई तक। अभी ये पोर्टल खुल रही है यहाँ पर जो, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो आवेदन नहीं कर पाए 23-24 में, जो छात्र आवेदन नहीं कर पाए उनके लिए आवेदन करने के लिए खोलने का इस बात में इसमें मतलब इस नोटिस में कहा गया है। लेकिन मुझे अभी मतलब इसमें जो है कि ये जिनका आवेदन नहीं हुआ उनके लिए तो ठीक है, पर जिनका ऑलरेडी ब्लॉक दिखा रहा है, स्टेटस होल्ड पर दिखा रहा है, बहुत लोग आप में से ऐसे हैं, उन लोगों का भी जो है कि मुझे लगता है इसी दौरान में एक्शन लिया जाएगा। तो उन लोगों को परेशान नहीं होना है, जो पूरा नोटिस है समाज कल्याण का भी फुल एक टाइम टेबल और जारी होगा। ये तो आपने आगरा विश्वविद्यालय की तरफ से जो एक तरह से इन्फॉर्मेशन जारी की गई वो आपने देखा, इसमें आपको डेट तो पता लग गई, लेकिन जो विस्तारित टाइम टेबल है, जो बड़ा वाला टाइम टेबल है जिसमें हर चीज़ लिखी होगी, वो भी जारी किया जाएगा। वो जैसे ही जारी होगा उस पर आपको डिटेल वीडियो देखने को मिलेगी, उसका मैं वेट कर रहा हूँ। वो जैसे ही जारी होगी उस पर भी मैं आपको पूरा डिटेल बताऊँगा, जिसमें हर एक चीज़ लिखी होगी, किस से किस तारीख तक आवेदन होगा, किस से किस तक ब्लॉक वालों के स्टेटस पे क्या करेंगे, पेमेंट रिजेक्ट वालों के साथ क्या करेंगे, वो डिटेल में वो समाज कल्याण के नोटिस से पता लगेगा। फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए अपडेट यही है कि जो पोर्टल है उसकी जो खुलने की डेट है वो आपके सामने आ गई है, वो खुलेगी 30 अप्रैल से लेकर 4 मई तक। सिर्फ और सिर्फ इतने ही दिन का टाइम रहेगा, देख लो आप 5-6 दिन का, एक हफ्ते का, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कल की वीडियो में कि मैक्सिमम आपको एक वीक से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। तो एक हफ्ते का ये समय आपको दिया जा रहा है, 30 अप्रैल से आप लोग तैयारी बना लीजिए, उसी टाइम पे आपको पोर्टल खुलेगा। तो जितने लोगों को जो भी जो है आवेदन नहीं कर पाए उन तक तो जरूर शेयर कर दो, क्योंकि उनके लिए तो ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि पोर्टल दोबारा खोला जा रहा है। अभी ब्लॉक वालों के लिए और उन सब के लिए जो डिटेल नोटिस आएगा उसमें उस बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, ये होगी पहली चीज़। अभी दूसरी चीज़ जो आप लोगों को एक समस्या आ रही है, लोगों को स्टेटस आप लोगों को देखने बड़ी समस्या आ रही है, लोगों को किसी का स्टेटस इस तरह से ब्लैंक दिखा रहा है, यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दे रही है, किसी को वीआर सॉरी आ रहा है। देखो ये वाली समस्या को लेकर आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हो, देखो मैं इन चीज़ों को क्लियर करना चाहूँगा। जितना भी इस तरह की समस्या है, जैसे वी आर सॉरी हो गया या फिर आप लोग के स्टेटस इस तरह से खाली आ रहे, जो दोनों समस्याएं हैं क्या है, ये इनकी अपनी वेबसाइट की समस्या। जनरली जब वेबसाइट में कुछ चेंज ये लोग कर रहे होते हैं तब ऐसी समस्या आती है। अभी आपने देखा पोर्टल दोबारा खोलने की तैयारी हो रही है, तो हो सकता है उस कारण से वेबसाइट अभी नहीं चल रही है, तो इसका आपके स्टेटस से कनेक्शन नहीं है। अगर आप लोग ये वी आर सॉरी देख रहे हैं तो इसको आप लोग इग्नोर करें, फिलहाल के लिए अभी स्टेटस भी नहीं बदल रहे हैं, तो स्टेटस बार बार देखने से कुछ नहीं होगा। ये इनकी वेबसाइट की समस्या है, यूपी स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है उस पर लोग सर्वर पर कुछ काम कर रहे हैं, इसके कारण ये समस्या आपको देखने को मिल रही है। ये जल्दी सॉल्व हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगी, समस्या ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। तो जितने लोग ये समस्या आ रही है उस प्रॉब्लम को इग्नोर करें, बस 2-3 दिन आप वेट कर लें, प्रॉब्लम अपने आप सही हो जाएगी, ये वेबसाइट की समस्या है। तो ये थी वो सारी अपडेट्स जो है कि जो मैं आपको देना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सही लगी हो, मैंने डेट आपको कन्फर्म कर दी जो अपडेट आई थी। सो चलेगा इस वाली वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK Tech Mission।